नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पटियाला सलवार की मोरी बनाना। तो देखिए पटियाला सलवार की मोरी आजकल के फैशन में जो बहुत वो नीचे से चौड़ी चल रही हैं, तो मैं आपको वही बना के दिखा रही हूँ। देखिए ये जो फॉर्म है इसमें से मैं पहले निकाल रही हूँ 4.5 इंची की, तो इसको मैं उसमें जॉइंट करूँगी। तो देखिए ये मैंने 4 इंच फॉर्म है जो पूरा नाप लिया है, अब इसको मैं काट रही हूँ। तो देखिए ये मैंने फॉर्म है जो काट लिया है, अब इसको मैं सलवार में जॉइंट करके आपको बताऊंगी। देखिए ये मेरी जो पटियाला सलवार है, तो देखिए आप सलवार के हिस्से को इस तरह से रखिए कि सीधा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। सीधी वाली साइड से आप फॉर्म को लगाना चालू कीजिए और ऊपर की साइड में उसको मोड़ दो। तो देखो इस तरह से इसमें 1/2 इंची का कपड़े का दबाव देके इस तरह से ये फॉर्म हमें नीचे की साइड में लगाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो देखो ये मैंने नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है, अब इस पर मैं आपको सिलाई करके बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सिलाई से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए आप इस मोहरी में आपके अपने हिसाब से किसी भी तरह की डिज़ाइन दे सकते हो, और मैं भी आपको इसमें एक डिज़ाइन देकर बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ। अब इसके बीचों बीच में मैं सिलाई लगा रही हूँ, अब एक सिलाई ऊपर की साइड में लगाऊंगी। इस तरह से पटियाला सलवार की मोरी चौड़ी रखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखती है। तो देखो इस तरह से आप उसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो अपने हिसाब से। तो देखो मैं इसमें इस तरह से ये डिज़ाइन बना रही हूँ, और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई भी लगा रही हूँ जिससे कि दिखने में अच्छी लगे। आप वीडियो को पूरा देखें। देखिए इस तरह से मैं इसमें नीचे की साइड में एक डिज़ाइन बना रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आप मोरी में इस तरह की डिज़ाइन भी बना सकती हैं। ये मेरा जो सिलाई का कोर्स है ये चल रहा है, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको हर तरह की वीडियो इस कोर्स में देखने को मिलेंगी। तो देखो ये जो मेरी मोहरी है ये बनके तैयार हो गई है। देखो इस पर ये कितनी सुंदर सिलाई दिखाई दे रही है, डिज़ाइन भी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखो ये जो मेरी मोहरी है ये मैंने नीचे से सिल के तैयार भी कर दी है। देखो इसका लुक है वो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से सलवार की मोहरी बना सकते हैं। थैंक यू।